दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हूँ। ऑल्दो हम आपके साथ जो अपडेट शेयर करते हैं वो GST और इनकम टैक्स के अपडेट्स हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, ये जो अपडेट है, ये एक्सटेंशन दी गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। जो ये पब्लिक नोटिस है, इसके थ्रू अमेंडमेंट इशू की गई है, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम से जुड़ा जो एनुअल रिपोर्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। गया था 30 जून से 30 सितंबर 2022 तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है, क्लैरिफाइड दैट इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹5,000, यानी कि 5,000 की जो पेनल्टी होगी लेट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न पर, वो एप्लीकेबल हो रही है फ्रॉम 22-23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। तो उसी से जुड़ा ये पब्लिक नोटिस है, जिसमें कि जो सेंटेंस ऐड किया गया है वो मैं आपके साथ ने रीड कर रही हूँ। Time limit to file return for the year 22-23 is extended till 30 सितंबर 2022. तो 30 जून से 30 सितंबर ये डेट हो गई है। लेट फीस ऑफ 5,000 अंडर दिस पैराग्राफ इज एप्लीकेबल फॉर द रिटर्न टू बी फाइल फॉर द ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। तो 5,000 की जो लेट फीस होगी वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स चार्ज की जाएगी, अगर फाइलिंग आप लेट करेंगे। तो अभी 22-23 के लिए जो फाइलिंग है उसकी डेट आपकी एक्सटेंड हुई है 30 सितंबर 2022 तक। तो ये अपडेट था, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जिनके लिए भी ये अपडेट इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए।